नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो अभी अचानक से मैं करथनी चौराहे पे रुका और खाने लगा चाट, जो अपने यूपी का फेमस है। तो सोचा चाट खाने के बाद क्यों ना एक ब्लॉग वीडियो दिखा देते आप लोग का करथनी चौराहा। तो अभी हम चाट वाली दुकान के पास हैं और दिखा रहे हैं 4 लेन हाईवे से। ये करथनी चौराहा है और करथनी चौराहे के पास एक महाकाल चाट कॉर्नर करके दुकान, यहीं पर हमने चाट खाया, अच्छा लगा। अभी एक फ़ोटो दिखाते हैं। अभी ये चौराहा है, चौराहे के पास मेन कट आउट है जहाँ से इस साइड से दूसरी साइड जाया जाता है। और इस साइड पे गांव वगैरह है, मौर्य ऑटो सर्विस सेंटर है, थोड़ा सा दिख रहा है। और सामने भी चाट की, आजकल यूपी में हर जगह चाट, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, ये सब कुछ मिलने लगा है। तो हर चौराहे वगैरह पे आप खा सकते हैं। और जैसा कि करथनी चौराहे से आप लोगों के बीच ये एक छोटा सा ब्लॉग, ऑलरेडी हमने एक नाइट मोटो ब्लॉगिंग वीडियो दिखाया था आप लोगों को, उसको आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और करथनी चौराहा एक जाना पहचाना है, जहाँ पे अभी हमारे एक मित्र हैं शिवम भाई, वो भी है नहीं फिलहाल इस टाइम, नहीं तो हम भी मिलते वो बताते भी। तो थोड़ा और चल के दिखाएँगे आगे चल के। अभी ये देखिए चल रहे हैं करथनी चौराहे। लास्ट टाइम आप लोग को दिखाया था पिछले वीडियो में नाइट ब्लॉग, अभी देखा है इसलिए बस इतना ही क्लिप आप लोग को दिखाएंगे इस करथनी वाले ब्लॉग में। और अभी हम मुसाफिर खाना साइड चल रहे हैं रोड की तरफ, और मुसाफिर खाना यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये करथनी चौराहे का मुसाफिर खाना रोड का ये एंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे प्रमोद समोसा कॉर्नर। खाने पीने का तो बहुत है यहाँ पे, शर्मा जी की लाइट, परम टेंट हाउस, ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जो यहाँ पे चर्चित है, जानी जाती हैं। एक ये भी शॉर्ट रोड है मुसाफिर खाना रोड का। और अभी हम लखनऊ यहाँ से 114 किलोमीटर है, मुसाफिर खाना 4 किलोमीटर है। सो मुसाफिर खाना की टोटल डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर की है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो में करथनी चौराहा देखने के लिए। और नेक्स्ट टाइम कभी अगर मौका मिला तो एक बार फिर से करथनी चौराहा अच्छे से ब्लॉग एक्सप्लोर करेंगे। और अभी इतना ही, पहुंच रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे अभिषेक टी सेंटर। ये भी चौराहे के शुरुआती में है, बढ़िया है, पूरा मेंटेन किया है इन्होंने, पूरा कुल्हड़ वाली चाय होती है ऐसा कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।